हेलो गाइस, दीपक कलाल ने कर दिया है रजत दलाल को ट्रोल। जी हां साथियों, आपको बता दें कि लफड़ा सेंट्रल में थगेश के शो के अंदर यहां पर दीपक कलाल को बुलाया गया था और वहां पर थगेश ने पूछा कि तुम कलाल हो और एक रजत दलाल है तो आप उन्हें जानते हो। तो वहां पर दीपक कलाल ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। जी हाँ साथियों, पहले आप ये क्लिप देखिए। आप कलाल हमने शुरू दलाल से की थी, रजत दलाल से जानते हो? रजत तो नहीं पता, लेकिन उसको लोग दलाल नाम से जानते हैं, इतना मुझे पता है। हाँ। क्योंकि वो मतलब दलाली करता है ना, इसीलिए उसको लोग दलाल नाम से जानते। तो जैसे कि साथ आपने क्लिप देख लिया, तो इसमें यहाँ पर रजत दलाल को सिर्फ दलाल कहते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर दीपक कलाल। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर रखना। और साथ ही वहीं पर बात करते हैं मुन्नावर फारूकी और एलविस यादव की। तो मुन्नावर फारूकी ने कर दिया है एलविस यादव को ट्रोल। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि यहाँ पर रील डाली है यहाँ पर मुन्नावर फारूकी ने, और मुन्नावर फारूकी वहाँ पर एलविस यादव को कुछ कहते हुए नजर आए हैं। तो जरा देखिए पहले आप वो रील। की तरह लोगों की नकल करने की आदत पाल रखी है ना, तो मिथपैट हो तुम। दो सीजन करने के बाद भी अगर जीत नहीं मिली आपको तो मॉडल हो। दो रियलिटी शो करने के बाद अगर खुद की रियलिटी भूल चुके हो ना तो एलविश हो तुम। और ये खबर सुन के एकदम खुश होकर ये रील को शेयर कर रहे हो तो मुनव्वर के फैन। तो जैसे कि साथियों, आपने रील तो देख लिया, तो इस पर आपकी क्या राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और दीपक कलाल का क्या होने वाला है, क्या रजत दलाल उनको कोई रिप्लाई देने वाले हैं, तो ये भी आपको जल्दी बताएंगे। इसके लिए आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब मोस्टली कर लेना।